जनपद हमीरपुर के राठ कस्बे में नवीन सब्जी मंडी में अव्यवस्थाओं को लेकर सब्जी व्यापारियों ने विधायक मनीषा अनुरागी को ज्ञापन सौंपा था। मुख्यमंत्री व मंडी डायरेक्टर से वार्ता के बाद विधायक मंडी में अव्यवस्थाओं के लिए भारी भरकम राशि स्वीकृत कराने में सफल रहीं। बता दें कि गल्ला मंडी के पास नई सब्जी मंडी में बाउंड्री व गेट के अलावा कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे वहां काम करने वाले सब्जी व्यापारियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। व्यापारियों ने अपनी समस्याओं के निस्तारण हेतु तहसील परिसर में धरना दिया। मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ घोषणा की थी इस राठ विधानसभा के लिए एक डिग्री कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज के लिए। तो आज चूंकि मैंने जो क्षेत्रीय अधिकारी होते हैं उच्च शिक्षा के, उनके अधिकारियों को आज मैंने बुलाया है और वहाँ उस डिग्री कॉलेज की जो जमीन हम लोग ने चिन्हित की है, वहाँ पर जाकर हम लोग आज जा रहे हैं, उसको देख रहे हैं और बहुत जल्दी, क्योंकि उसका भी पैसा हम लोग लेकर आएंगे और बहुत जल्दी वहाँ भी निर्माण कार्य शुरू कराएंगे। कहाँ चिन्हित किया है? ये कॉलेज नहर पटरी पर ITI के बगल में बाउंड्री वाले के लिए बनी थी और उसमें सिर्फ एक गेट था। इसके अलावा अगर वहां पर हम व्यापारियों को ले जाते हैं तो उनके लिए ना तो बैठने की व्यवस्था थी ना छत की व्यवस्था थी। तो उस मंडी का पिछले कई दिनों से विवाद चला आ रहा था कि उधर कैसे हम लोग विस्थापित करें, अपने व्यापारियों को कैसे वहां पर बिठा लें, एक बहुत बड़ी समस्या पिछले कई दिनों से थी। इसको लेकर मैं परसों, इसके पहले भी मैं मिली हूँ, परसों मैं मुख्यमंत्री जी से मिली तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो जो हमारे डायरेक्टर हैं मंडी के, उनके साथ बैठे, हम मैं भी बैठी और पूरा उनके साथ विस्तृत उस विषय पर चर्चा हुई और उसके बाद आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस मंडी के लिए 6,91,00,000 पैसे दे दिए हैं, सैंक्शन कर दिए। तो उसके लिए एक हम लोग जो 1 किलोमीटर की सड़क खराब है उसको का काम होगा और दुकानें बन जाएंगी और जो भी कुछ वहाँ पर असुविधाएं रहेंगी हमारे व्यापारियों के लिए, उनके लिए और भी काम हम लोग आगे करा देंगे। हमीरपुर से UP24 न्यूज़ के लिए विशेष संवाददाता सीतू सेंगर की रिपोर्ट।